a kaleidoscope of colors, a vivid display of strength and surprise, feats of magic and miraculous courage. The circus has it all. But what lies beyond the curtain? With audience numbers dwindling steadily and the rise of entertainment at our fingertips, is the circus becoming a relic of the past? The show must go on, behind the fading spectacle of the circus. मेरा नाम चरण सिंह है. मैं सर्कस लाइन में 97 से काम कर रहा हूँ. मैं जो जैसे कि मेरे यहाँ मेला लगता है, पढ़ाई करी थी पहले, पढ़ाई करने में कॉलेज पे जाता था, कॉलेज के करने में सर्कस, कॉलेज के पीछे ही सर्कस लगता था मेरे यहाँ सोरो कासगंज यूपी में. वहाँ से ग्रेजुएट हो गया मैं सर्कस लाइन में. सबसे अच्छा हम जोकर बनने का था. जोकर बने मेरे की देखते हैं सर्कस लाइन कैसी है कैसी नहीं है. घर वालों ने, माँ बाप ने, सब ने मने करी. शौक नहीं, दो चार महीना ऐसे ही रहे, घूमते फिरते रहे. फिर बाद में शौक हो गया, जोकर बने, तालीम करी, प्रैक्टिस करी, फिर यहीं सीखे. सर्कस नहीं हमारा ये घर है. घर जाओ तो भी घर में, इसमें तब भी घर में इमरजेंसी छुट्टी मिल जाती है, कोई बात नहीं. मेरा नाम बबली है. मैं कब से, मतलब कि मेरा हो गया कम से 40-42 साल हो गया इस लाइन में. मैं स्केटिंग, जगलिंग, लट्टू का आइटम और कुछ ट्रेनिंग भी देता हूँ, सिखाता भी. ये हमारे फादर साहब थे, वेट लिफ्टिंग करते थे. नहीं, पहले घर में थे, घर में पढ़ते थे थोड़ा, फिर थोड़ा स्केटिंग वेटिंग का शौक लगा, फिर इसी लाइन में रहेंगे. स्केटिंग सीखा, उसके बाद में और आइटम सीखे, इसी लाइन में रहेंगे. पब्लिक अच्छी होगी तो हमें और भी अच्छा लगता है करने के लिए. अगर पब्लिक कम रहोगी हमें भी एक इंटरेस्ट नहीं मिलता इतना. मेरा नाम सुभाष जय सिंह है. मैं साइकिलिस्ट है, साइकिलिंग करता है. पहला मैं जिमनास्टिक चैंपियन था. जिमनास्टिक छोड़ने के बाद मैं फॉरन में बहुत साल रहा, 7-8 साल फॉरन में था. उसके बाद फिर मैं सर्कस में साइकिलिंग सीखा, साइकिलिंग आइटम कर रहा अभी. तो मेरा आइटम भी अच्छा लगता पब्लिक को. मैं बहुत सा साइकिलिंग करता, फिर स्पेशल है, फोल्डिंग है, पॉकेट साइकिल, हाई व्हील साइकिल, पूरा चैंपियन, थोड़ा बहुत चैंपियन है, ज़्यादा चैंपियन नहीं है. मेरा उस्ताद लोग था, वो लोग बोलता था तुम ये चीज़ के लिए फिट है भाई, तुम ये चीज़ करो, ये चीज़ ये तुमको चाहिए यार, तुम ये आइटम में आ जाओ, वो आइटम में आ जाओ. हम सब में फ्री रहता, हम सब चलो चलो करो करो करता था. मैं कभी पीछे के काम के लिए पीछे कभी नहीं हटा. नहीं नहीं, वो नर्वस होगा तो फिर ज़िंदगी जी नहीं सकेगा ना. फिर नर्वस होगा तो ज़िंदगी नहीं जी सकेगा. हम लोग तो करना है तो पब्लिक ऑडियंस को दिखाना है तो शो तो करना ही पड़ेगा. भले हमको चोट लगा फिर भी हम उठ के करता है. मेरा भगवान का उस्ताद हम लोग यही सिखाया है कि आपको चोट लग गया फिर भी उठ के काबू, वही आइटम फिर करना है आपको, वैसा चलता है. हम लोग वो छोड़ के नहीं रह सकेगा. अच्छा, मेरा नाम है लक्ष्मी डेरापी. मैं आसाम से हूँ और सर्कस लाइन में अभी मेरा 10 साल हो गए हैं. अच्छा, घर में कुछ तकलीफ है इसके लिए आना पड़ा सर्कस लाइन में. अपना परिवार को कुछ ये करने के लिए तो कमाना पड़ता है कि नहीं, तो इसके लिए परिवार का चक्कर में आई हूँ सर्कस में. इससे अच्छी चीज़ क्या है, काम करना, आइटम सब करना, जो एक्रोबेटिक्स है, जो हम लोग का शो है, जो करने में बहुत अच्छा लगता है. पूरे सर्कस में याद बोलने से मालिक अच्छा है, कंपनी अच्छी है और यहाँ का जितना फैमिली लोग है, काम करती है यहाँ पर, स्टाफ लोग है, बहुत अच्छे है यहाँ पर. हाँ जी, परिवार जैसे ही लगते है. मेरा नाम बिक्की डोगरा है और मैं बचपन से सर्कस में हूँ और मैं हुला हु करती हूँ, फायर डांस करती हूँ. ऐसा होता ना, हम लोग प्रैक्टिस करते 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 तो डर नहीं लगता. मुझे बहुत शौक था आने का, मुझे बाहर घूमने का. एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ, मेरे हस्बैंड पंजाब से है और मुझे बाहर घूमना बहुत शौक था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई. हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारा काम है, वो हमारा फैमिली चलता है उस चीज़ से.
और सर्कस ऐसा चीज़ है जो इंसान टीवी में देखते हो वो लाइव नहीं रहता, एक्चुअली सर्कस तो लाइव ही रहता है, तो यही फ़र्क है और टीवी में और लाइव में, इसीलिए सर्कस तो अच्छा है। मेरा नाम काशीनाथ है जी, और एक्चुअली तो अभी तो इस टाइम तो हम क्लाउन करते हैं और पब्लिक को हंसाने का काम करते हैं, और वैसे तो मेरा बहुत से मैंने आइटम अपनी लाइफ में किए, अब छोड़ दिए हैं और फिलहाल हंसाने का काम कर रहे हैं पब्लिक को, ऑडियंस को। टाइम ऐसा हुआ कि मैं सर्कस देखने आया था, तो मैं करीब था उस टाइम करीब 10 साल का था, तो सर्कस उस टाइम लाइफ अच्छी थी, बहुत बढ़िया लग रही थी दूर से, तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगा, आर्टिस्ट लोग अपना प्रोग्राम कर रहे थे, आइटम दिखा रहे थे, तो हम बोले कुछ ना हम भी इसमें जा कर देखें कि ऑडियंस हमको भी कुछ रिस्पॉन्स दे, तो स्टार्टिंग आया, तो उस टाइम तो कलाकार नहीं थे, लेबर क्लास में थे हम, लेबर क्लास से फिर हम धीरे धीरे आइटम सीखे, हाउस राइडिंग की, मोटरसाइकिल जंप की, फिर हेड बम्बू बैलेंस किया जिसके ऊपर माथे पे बम्बू रख के फिर लड़की उस पर चढ़ती थी, लड़की आइटम करती थी, फिर उस टाइम बहुत से आइटम मैंने क्या अपनी लाइफ में किए, कम से कम 10-12 आइटम कर चुके हूँ मैं अपनी लाइफ में। इसका नाम जोशुरा से, इसका नाम ननाव है, थोड़ा नाम तो अलग ही होती है हम लोग का नाम तो, और इसका नाम बोइनाव है और मेरा नाम सुरेश है। वो क्या है ना, हम लोग तो माने काम करने से कम एक 2-3 साल 5-6 साल तो हो गए, मणिपुर से है सब लेकिन अलग अलग जगह से हो, मणिपुर अलग अलग जगह से, फिर हम बाहर आने के बाद हम साथ में मिल गए, ऐसे काम किया, और बाकी ऐसे सिखाने वाले लोग भी होता है, ऐसे करके सीख के हम ऐसे ही मिल के जोर काम करता है। पब्लिक ने जो माने क्लिप लगाओ है ना, जो ताली ताली लगा देगी तो हम लोग थोड़ा अच्छी लगे, तो थोड़ा खुश भी लगता है, हम काम करने से भी वो अच्छा है, मज़ा भी बहुत मज़ा आता है करने से अंदर। लिटिल लव मैरिज, थोड़ा सा लव मैरिज सर्कस का थ्रू ही मिलता है ना, ये तो बोलने से अभी एक आर्टिस्ट का जाता है तो देखेगा, थोड़ा बहुत देखेगा, आस्ते आस्ते लव हो गया, बात हो गया, शादी हो गया। नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, और हम लोग देखो सर्कस लाइन में काम करते करते हम लोग का शादी भी हो गई है, और मेरा एक बेटा है 8 साल का। अच्छा, हाँ जी आती है, क्यों नहीं, हम लोग 5 महीना में या 1 साल में चले जाते मिलने के लिए, क्योंकि उसका लिखाई पढ़ाई के लिए जो पैसा चाहिए था हम लोग 5 महीना में कमा के और देने के लिए जाते हैं हॉस्टल में। 30 साल हो गए इस लाइन में, 30 साल में ये है, घर पे घर भी बना लिया, बच्चों का सब कुछ अपना जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल रहा है, आगे ऊपर वाले की मर्जी, वो तो सब लाइफ कट ही रही है, और क्या। दस बार 10 जगह साल में 12 महीने में 10 बार 10 जगह चेंज कर लेते हैं, डेढ़ महीना। अब देख रहे हैं हम रिकॉर्ड चल रहा है, 100 बंद हो गया, पब्लिक आती तो 3 खेल चलते। पब्लिक लाने का क्या है, थोड़ा रोटेशन भी होना चाहिए, और पास पास में लगा दोगे तो सर्कस भी है, दूर दूर लगाओ थोड़ा 2-4 साल का गैप होना, ऐसा तब सर्कस चलती है। अभी यहाँ क्या, यहाँ डाल दिया, यहाँ से यहाँ डाल दिया, ऐसे नहीं सर्कस। वो तो जब तक मोबाइल हुआ, इंटरनेट वगैरह सब हुआ, वही बैठ के सब देख ही लेते हैं, तो भी इतना फ़र्क तो पड़ता ही सर्कल लाइन का, ये हो जाता ना। देखिए पब्लिक कम हो अगर ज़्यादा हो, हमें तो काम करना ही करना है, पब्लिक को दिखाने, अगर हम लोग बिल्कुल काम कम करेंगे तो पब्लिक कल को जो आने वाली वो भी नहीं आई। आजकल तो आधे से ज़्यादा सर्कस देखने आते तो मोबाइल में लगे रहते, वो उनने मोबाइल में लगे हुए, क्या आइटम चल रहा कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे लोग उनके देख रहे हैं कोई मतलब ही नहीं।
जिस हिसाब से यहाँ रिस्पांस मिलना चाहिए सर्कस को, उस हिसाब से रिस्पांस यहाँ मिला नहीं है। जो अडक्शन था कि जानवर, वो गवर्नमेंट जानवर रखने नहीं दे रही। जानवर के ऊपर, जानवर जाने से बहुत बड़ा जो है इसका बिजनेस में, इसको जो है लाइफ उतनी नहीं हो पा रही। देखो हाथी भी थे, एलिफेंट थे, फिर उसके बाद में बहुत से हम लोगों के जो जानवर थे, अब खाली क्या रह गया, डॉग, पैरेट, हाउस। ऑस्ट्रेलियन है ये पैरेट, काका तोता है, इसका क्या नाम है, चार पांच ब्रांड में सब ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। अब सर्कस के बोलते हैं, सर्कस में जानवर को मारते हैं, तोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर इनको मारेंगे तो क्या है, ये तो जीव है, प्राणी है, इसको क्या मार रहे हैं। हमको तो मालूम है, इसी से तो मेरा रोजी रोटी चल रही है, तो हम लोग उसको थोड़ी मारेंगे। इनका खर्चा बहुत है, इनका खर्चा तो, इनका तो सबसे पहले तो इनको जो है कि इस हिसाब से इनको रखने का, इनको रखने का मतलब कि क्लाइमेट के हिसाब से इनको देखभाल करनी पड़ती है। ठंडी पड़ती है, गर्मी में है, अभी जैसे शाम होगी, धूप निकल बंद हो जाएगी, फिर इनके लिए अंदर हलोजन लगाने पड़ते हैं गर्म करने के लिए, टेंट गर्म रहता, पूरा गर्म रहेगा। फिर पहले था जानवर सब था, तो सब पब्लिक आते हैं सर्कस में देखने के लिए, लेकिन अभी दिक्कत ये हो गया कि खाली जानवर सब नहीं है, एनिमल्स नहीं है बोल के इसके लिए पब्लिक आना कम हो गया है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो गया। हम लोग का जो बोलने से दाना पानी जो है थोड़ा कम हो गया, और मालिक भी थोड़ा दिक्कत में पड़ जाते हैं क्योंकि पब्लिक कम हो गया देखने के लिए। तेज वेज क्या लगा, कुछ नहीं है, शुरू शुरू में सही लगा, अब तो जैसे जानवर गए हैं, जब से क्रेज खत्म हो गया सर का, पब्लिक नहीं आती, दिमाग नहीं लगता, पब्लिक आई तभी तो हम करेंगे, पब्लिक नहीं आएगी तो कहाँ से करेंगे। ये है कि मालिक को ये है कि इस वजह से कि मालिक जो है कि जो बिजनेस मिलता, हम लोगों को तनख्वाह तो रुकती नहीं है, मालिक जिसमें जिस हिसाब से अपना जो चला रहा है धंधा, कुछ मालिक खुद बोलता है कि मेरे जरिए से अगर किसी के 10-12, 100-150 अगर किसी के घर चल रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यही पड़ जाती है, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं है इस लाइन के लिए, इसको मतलब कोई जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल रही। एक फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में आदमी वर्कर काम करता है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कुछ होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं। सर्कस, हम भी तो हिंदुस्तान में, हम भी तो अभी इलेक्शन आएगा तो हम लोग अपने घर जाते हैं, वोट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस से चला रहा है, इतना आदमी को पाल रहा है लोग, थोड़ा तो कुछ करना चाहिए, तो नहीं देखता तो क्या करेंगे। उसको कोई हेल्प नहीं करता, हम लोग कोई फंड ही नहीं मिलता, ना ग्राउंड रेट कम होता, ना कुछ होता, कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ तो हम लोग अपने ही करना पड़ता है। ये कभी चला चला ठीक है, नहीं चला तो हम लोग का तो नुकसान ही है। तो वो तो अभी मालिक के पट से बंद भी नहीं कर सकते, इतना जनता को हम लोग पाल के चल रहा है तो कहाँ छोड़ेगा लोग। गवर्नमेंट का ही काम है, एक चीज़ गवर्नमेंट को ही देखना है सब, जैसा फैक्ट्री वगैरह चल रहा है सब, ये भी एक फैक्ट्री है छोटा सा, वो भी देखना पड़ेगा, ये भी छोटा ही फैक्ट्री तो है। मैं इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, क्यों, इंडिया में इसका कोई कदर ही नहीं है, तो मेन बात हो गया। इंडिया में खाली थोड़ा बहुत कदर है, थोड़ा बहुत चल रहा, चल गया नहीं चल गया बस वही है। सर्कस कई बंद भी होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जब से सरकार नहीं चलेगा तो मालिक बेचारा कहाँ से ला के देगा पैसा, भाई जब उधर उनको मिलेगा तो हम लोग को भी तो पैसे देगी, बिजनेस चलेगा। जैसे कोई कंपनी होती है हो जाती, घाटे वाखरी बंद करनी पड़ जाती है मजबूर होकर। ये अभी इसकी क्या है कि लाइफ आगे कुछ नहीं है, लाइफ कुछ होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। क्या सर्कस के बारे में जाना, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, सब जब से जानवर गए हुए तब से वो सही है, और कुछ अब क्या बताएं, यही है, बहुत दिन हो गए, अब छोड़ने वाले हैं। टू दोज हु बिलोंग टू द सर्कस, इट इज़ नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
It is the way of living. An emblem of India's rich cultural heritage, the circus now faces a plethora of problems in terms of competition, regulation, lack of support, and more. What remains to be seen is, can the circus survive the new media onslaught and use it to its benefit, or will this show come to a grinding halt?